हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू बैक टू योर हिस्ट्री क्लास। हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया था और आज हम हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इन केस आपने हमारे फर्स्ट चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो अभी जाके उन्हें चेकआउट कीजिए। और आज से हम हमारा सेकेंड चैप्टर आपकी हिस्ट्री बुक का किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अर्ली स्टेट्स और इकोनॉमीज के बारे में, जो कि अकर करी 600 BCE के टाइम पीरियड में। सो आइए देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले, स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं कि इस चैप्टर में ओवरऑल क्या था। देयर वर सेवरल डेवलपमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पैन ऑफ 1500 ईयर्स फॉलोइंग द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। यानी कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हो गया, उसके भी 1500 ईयर्स बाद तक बहुत सारी डेवलपमेंट्स सोसाइटी में होती रही, बहुत अलग अलग तरीके की डेवलपमेंट सोसाइटी में होती रही। जब हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हुआ, उसके बाद सोसाइटी में बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस हुए। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड ड्यूरिंग विच ऋग वेद वॉज कम्पोज। यानी कि उन सभी मेजर चेंजेस में से एक जो बहुत बड़ा चेंज आया वो ये था कि उस टाइम पीरियड में ऋग्वेद, जो हमारे जो फोर वेद हैं, उनमें से जो एक वेद है ऋग्वेद, उनको उसको कंपोज किया गया। किसने? बाय पीपल लिविंग अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। यानी कि जो इंडस वैली के लोग थे, उन्होंने ऋग्वेदा को कंपोज किया। एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स एमर्ज। उसके अलावा लोगों ने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी स्टार्ट कर दी सब कॉन्टिनेंट में, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में, डेक्कन प्लेट्यू में और कर्नाटका में। तो इन सब रीजंस में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होने लगी। बिसाइड्स देयर इज एविडेंस ऑफ पास्टोरल पॉपुलेशन। उसके अलावा पास्टोरल पॉपुलेशन भी देखी गई। पास्टोरल यानी कि प्रीस्ट कौन होते हैं? जो लोग पुजारी होते हैं, पूजा करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रीस्ट या फिर पास्टोरल पॉपुलेशन। वो देखी जाने लगी कहाँ पे? डेक्कन प्लेट्यू में, साउथ रीजन के जो डेक्कन एरिया था, वहाँ पे प्रीस्ट को भी देखा जाने लगा। उसके अलावा न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड, यानी कि पहले जो डेड बॉडीज, जैसे उनको बरी किया जाता था, न्यू टेक्निक्स आने लगी। यानी कि लोगों ने नए नए तरीके अडॉप्ट कर लिए डेड बॉडीज को डिस्पोज ऑफ करने के, इंक्लूडिंग द मेकिंग ऑफ एलैबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर्स। यानी कि अब कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाने लगा डेड बॉडीज को? बड़े बड़े स्टोन स्ट्रक्चर्स बना के, जिनको क्या कहा जाता था? मेगालिथ्स, जो कि कहां पे स्टार्ट हुआ? सेंट्रल साउथ इंडिया में। इन मेनी केसेस द डेड वर बरीड विद अ रिच रेंज ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स। उसके अलावा लोग और क्या करते थे डेड बॉडीज को जब वो बरी करते थे? उस टाइम पे वो उनके साथ बड़े बड़े आयरन टूल्स रख देते थे और जो उनके वेपन्स हुआ करते थे उनको भी उनके साथ ही बरी कर देते थे। फ्रॉम 6th सेंचुरी BCE मतलब बिफोर द कॉमन एरा, देयर इज एविडेंस दैट देयर वर अदर ट्रेंड्स एज वेल। यानी कि और भी बहुत ज्यादा चेंजेस आए सोसाइटी में। उसमें से एक क्या था जो सबसे विजिबल चेंज था? वो था इमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स। यानी कि बहुत सारी स्टेट्स आने लगी, नए नए एम्पायर्स आने लगे और उनको रूल करने के लिए किंग्स और उनकी किंगडम्स भी बनने लगी। हिस्टोरियंस अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स बाय ड्रॉइंग ऑन अ रेंज ऑफ सोर्सेज। यानी कि अब जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, वो इन डेवलपमेंट्स को अलग अलग सोर्सेज के थ्रू समझने की और पढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस हो गए, टेक्स्ट हो गए, कॉइन्स हो गए, या फिर कोई विजुअल मटेरियल हो गया। जैसे हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी देखा है कि जो हिस्टोरियंस थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो कैसे स्टडी करते थे? कॉइन्स के थ्रू या स्क्रिबलिंग्स के थ्रू, या फिर वॉल्स पे जो उन लोगों ने स्क्रिबल किया होता था, या फिर जो मॉन्यूमेंट्स बनाए होते थे, या फिर जो कुछ आर्टिफैक्ट्स होते थे, उनके थ्रू हमें एविडेंसेस हमारे हिस्टोरियंस को मिलने स्टार्ट हो गए। अब बात अगर हम करें प्रिंसेप एंड पियादस्सी। अब प्रिंसेप और पियादस्सी क्या था? Some of the most momentous developments in Indian epigraphy took place in 1830s. यानी कि जो 1830s का time period था, उसमें बहुत सारी developments हुई। This was when James Prinsep, अब एक officer थे, कहाँ के? Mint of East India Company, यानी कि East India Company के एक officer थे, जिनका क्या name था? James Prinsep। उन्होंने he deciphered Brahmi and
खरोच थी टू स्क्रिप्ट्स। अब उन्होंने दो स्क्रिप्ट्स को समझने की कोशिश करी, कौन सी, पहली थी ब्रह्मी और दूसरी थी खरोच थी। यूज्ड इन द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइंस, यानी कि ये जो दो स्क्रिप्ट्स थी, स्क्रिप्ट्स यानी कि राइटिंग्स, ये राइटिंग्स कहां पाई गई, इंस्क्रिप्शंस में और कॉइंस पे भी इन्हीं राइटिंग से लिखा हुआ पाया गया। तो अब जो ये प्रिंसेप थे, इन्होंने इस पे क्या कहते हैं, रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी। He found that most of these mentioned a king referred to as Piyadasi. अब ज्यादातर इनमें क्या पाया गया, एक कॉमन नेम पाया गया, किसका, Piyadasi का। Piyadasi कौन थे, एक किंग थे, और Piyadasi का लिटरल मीनिंग क्या होता है, प्लेजेंट टू बिहोल्ड। There were a few inscriptions which also referred to king as Ashoka. उसके अलावा Piyadasi के अलावा और किस एक किंग का नेम जो बार बार सामने आया, वो थे किंग अशोका। One of the most famous rulers from the Buddhist text, जिनका mention Buddhist text में भी बहुत बार किया गया है। This gave a new direction to investigations. अब जब ये नेम सामने आने लगे तो उनकी direction, उनकी investigation को एक new direction मिलनी शुरू हो गई। Into early Indian political history inscriptions and texts composed in a variety of languages, यानी कि जो अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके के टेक्स्ट लिखे गए थे, उनको एक न्यू डायरेक्शन मिलनी शुरू हो गई, ताकि वो किस में हेल्प कर सके, पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प कर सके, और लीनियज ऑफ मेजर डायनेस्टीज दैट हैड रूल्ड द सबकॉन्टिनेंट, यानी कि और किस में हेल्प कर सके, ये जानने में हेल्प कर सके कि इस सबकॉन्टिनेंट पे कौन कौन सी मेजर डायनेस्टीज ने आके रूल किया। Subsequently, scholars began to shift their focus to the context of political history. यानी कि फिर उसके बाद जो हमारे scholars थे, उन्होंने किसको जानने की कोशिश करी? Political history को जानने की, यानी कि लोगों की political life कैसी हुआ करती थी पहले के time में। Investigating whether there were connections between political changes, economic and social development. इसके अलावा उन्होंने और क्या जानने की कोशिश करी कि क्या पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ में लोगों की कुछ इंटर रिलेशन है, कुछ चेंज है, या फिर इनमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई। अब बात करते हैं अर्लीस्ट स्टेट, यानी कि कौन कौन सी नई स्टेट्स, मेजर स्टेट्स उस टाइम पर सामने आई। द 16 महाजनपदास, अब जो स्टेट्स थी उनको उस टाइम पे क्या कहा जाता था, महाजनपद, क्या बोलते थे, महाजनपद। तो 16 मेजर महाजनपद उस टाइम पर एग्जिस्ट करते थे। द 6th सेंचुरी BCE, जो 6th सेंचुरी BCE का टाइम पीरियड था, उसको क्या माना जाता है, मेजर टर्निंग पॉइंट माना जाता है इंडियन हिस्ट्री का। इट इज एन एरा एसोसिएटेड विद अर्ली स्टेट्स, क्योंकि इस टाइम पीरियड में क्या आई, अर्ली स्टेट्स आई, सिटीज आई, और द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन, और उन स्टेट्स और सिटीज में ज्यादा क्या यूज होना शुरू हो गया, आयरन, यानी कि आयरन की चीजें बननी स्टार्ट हो गई, एंड द डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज। उसके अलावा जो कॉइन्स हैं वो भी बनने शुरू हो गए थे, किसके लिए, टू फैसिलिटेट द ट्रेडिंग सिस्टम। इट ऑल्सो विटनेस द ग्रोथ ऑफ डाइवर्स सिस्टम, जैसे कि अलग अलग तरीके के डाइवर्सिफाइड, डाइवर्स मतलब बहुत ही डिस्टिंक्टिव लोगों के थॉट हो गए, इंक्लूडिंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। उस टाइम पे जो न्यू थॉट प्रोसेस एमर्ज हुए वो कौन से थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म, यानी कि ये दो रिलीजन या ये दो रिलीजियस ब्लॉक्स उस टाइम पर न्यूली एमर्ज्ड आए। अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट मेंशन 16 स्टेट्स, और इन्हीं इन्हीं जो रिलीजन थे, इन्हीं के टेक्स्ट में इन स्टेट्स का मेंशन था, इन 16 स्टेट्स का मेंशन था, जिनको क्या कहा गया, महाजनपदास। Some names such as Bajji, Magadha, Kaushala, Kuru, Panchala, Gandhara and Avanti. यानि कि ये सारे names किसके थे? उन states के जो कि बार-बार in text में frequently repeat हो रहे थे. Clearly, these were amongst the most important Mahajanpadas. यानि कि जितना frequently ये names repeat हो रहे हैं, उससे हम ये idea लगा सकते हैं कि ये कितनी important Mahajanpad, यानि कि states उस time की रही होंगी. While most of the Mahajanpadas were ruled by kings, अब इन Mahajanpadas पे कौन rule करता था, यानि कि ये किसके अंदर आती थी, kings के। Some known as the Ganas or Sanghas were oligarchies where power was shared by number of men, यानि कि कुछ कुछ states में तो single king होता था, और कुछ states में क्या exist करती थी, oligarchy, यानि कि जहाँ पे बहुत सारे राजा मिलके, बहुत सारे men मिलके एक साथ उस state को
रूल करते थे और वही लोग कलेक्टिवली उनको क्या कहा जाता था, राजास बोला जाता था। इन सम इंस्टेंसेस एज इन द केस ऑफ बज्जी सांघा, अगर हम बज्जी सांघा या मतलब बज्जी स्टेट की बात करें, द राजास प्रॉब्ली कंट्रोल्ड रिसोर्सेज सच एज लैंड कलेक्टिवली। तो यहाँ पे जो राजा होते थे वो एक साथ मिलके जैसे रिसोर्स, अलग अलग रिसोर्सेज हो गए, जैसे सपोज लैंड हो गया, उसकी देखभाल करते थे। ईच महाजनपदा हैड अ कैपिटल सिटी, यानी कि हर महाजनपद की अपनी एक कैपिटल सिटी होती थी, विच वॉज ऑफन फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड मतलब उसको किलाबंदी कर दिया जाता था प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। Maintaining these fortified cities as well as providing for incipient armies and bureaucracies required resources. अब उन states का ध्यान रखने के लिए किसकी जरूरत थी, army की, और उस army को sustain करने के लिए resources की जरूरत पड़ती थी। Rulers were advised to collect taxes and tribute from cultivators, traders and artisans. अब अपनी जो इतनी बड़ी कैवलरी हो गई या फिर जो इतनी बड़ी उनकी जो सेना होती थी, आर्मी होती थी, उसको सस्टेन करने के लिए वो उनको चाहिए होते थे फंडिंग या रेवेन्यू। अब वो लोग कहाँ से कलेक्ट करते थे, कल्टीवेटर्स से, ट्रेडर्स से और आर्टिशन से। ग्रेजुअली सम स्टेट्स अक्वायर्ड स्टैंडिंग आर्मी, और धीरे धीरे काफी सारी स्टेट्स की अपनी अलग बड़ी बड़ी आर्मीज होने लगी। एंड मेंटेन रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज, other continued to develop on militia recruited more often than not from peasantry, yani ki jo peasants hote the unse revenue ya tax collect karke apni military ko ye log sustain karna shuru ho gaye। ab baat karte hain magad ki, yani ki magad ek jo state thi uski ab hum baat karte hain। between the 6th and the 4th centuries bce magad in present day bihar, yani ki ab magad kahan pe padti hai, बिहार में पड़ती है। बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, यानी कि उस टाइम पे सबसे पावरफुल महाजनपद स्टेट कौन सी बन गई थी, मगध। मगध वाज अ रीजन वेयर एग्रीकल्चर वाज स्पेशली प्रोडक्टिव, यानी कि मगध में जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव था उस टाइम पे। उसके अलावा आयरन माइंस भी थी वहां पे, जो कि अब झारखंड में पड़ती है, वर एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडेड रिसोर्सेज फॉर टूल्स एंड वेपन्स, यानी कि उन आयरन माइनिंग से क्या मिलता था, टूल्स और वेपन्स के लिए रिसोर्सेज भी मिल जाते थे। उसके अलावा वहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एलिफेंट्स थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था आर्मी का, यानी कि आर्मी में उस टाइम एनिमल्स भी यूज किए जाते थे कोई भी फाइट लड़ने के लिए, तो एलिफेंट्स वहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होते थे उस, क्योंकि वहाँ पे क्या था, फॉरेस्ट रीजन था। Also, the Ganga and its tributaries provided a means of cheap and convenient communication. उसके अलावा जो गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज थी, उसके थ्रू भी कम्युनिकेशन और ट्रेड को फैसिलिटेट किया जाता था। मगध एट्रिब्यूटेड इट्स पावर टू द पॉलिसीज ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि रुथलेसली एम्बिशियस किंग्स ऑफ होम बिंबिसारा, अब एक किंग कौन थे, बिंबिसारा, अजातशत्रु एंड महापद्मानंदा, अब ये कुछ किंग्स के नेम है, एंड देयर मिनिस्टर्स हु हेल्प्ड इंप्लीमेंट देयर पॉलिसीज, यानी कि ये जो सारे किंग्स थे ये अपने अपने एरिया में पॉलिसीज बनाते थे और उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में इनकी हेल्प कौन करता था, इनके मिनिस्टर्स यानी कि इनके मंत्री। इनिशियली राजगढ़, द प्रकृत नेम ऑफ द प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार, वाज द कैपिटल ऑफ मगध, यानी कि मगध की कैपिटल क्या था, राजगढ़, जो कि अब जिसको क्या कहा जाता है, जो कि अब कहाँ है, बिहार में है। राजगढ़ वॉज अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट लोकेटेड अमंगस्ट द हिल्स, यानी कि राजगढ़ की भी किलाबंदी करी गई थी और वो कहाँ था, हिल्स की तरफ पड़ता था। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेस सेशन। आई होप आपने आज की ये क्लास हमारी इंजॉय करी होगी, आपको कुछ न्यू स्टेट्स के बारे में पता लगा होगा। हमने देखा कि स्टेट्स यानी कि महाजनपद कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते थे और उनके क्या क्या फंक्शन होते थे और उनको रूल कौन करता था। एंड आई होप आपको ये सब मेरे साथ इस क्लास में जुड़कर क्लियर हो गया होगा। लर्न करो के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनी वेयर, आप कहीं से भी हमारी लाइव क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको मिलती है पर्सनलाइज स्टूडेंट रिपोर्ट्स, जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को खुद एनालाइज कर सकते हैं कि यार मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ या मैं कैसा परफॉर्म कर रही हूँ। उसके अलावा आपको सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साथ
साथ ही साथ हमारा रिवाइज सिलेबस चैप्टर वाइज सिलेबस रेगुलरली अपडेट होता रहता है। हमारे ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों तरीके से डाउट क्लियरिंग सेशंस चल रहे हैं और उसी के साथ साथ आप अपनी परफॉर्मेंस को खुद एनालाइज कर सकते हैं थ्रू लाइव टेस्ट क्विजेस एंड असाइनमेंट्स जो कि हम आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं। हिस्ट्री के आंसर्स कैसे लिखने हैं, आंसर्स को लेंथ कैसे देनी है, आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं, कौन से की टर्म्स या की पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, ऐसी इसी तरीके की सभी क्वेरीज आपकी क्लियर हो जाएंगी मेरे साथ इसी प्लेटफॉर्म पे। हमारा जो ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए। इसी के साथ जो हमारा पार्ट वन था इस चैप्टर का वो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।